नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं एक्टर विनोद गोस्वामी जी, जो मूल रूप से रहने वाले तो हरियाणा के हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद गोस्वामी है, मैं एक्टर हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, जिला हिसार गांव का अक्षर में मेरा जन्म हुआ है और हम चार भाई बहन हैं, सबसे छोटा हूँ घर में। क्योंकि मेरा फिल्मों की तरफ बहुत इंटरेस्ट था, इस चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, पढ़ाई मैंने आठवीं तक ही की, क्योंकि फिल्में देखने जाना और घर स्कूल से छुट्टियां मारना, तो इस चक्कर में पढ़ाई में कम मन लगता था, फिल्मों में ज़्यादा लगता था। तो इस चक्कर में मैंने रामलीलों में काम करना शुरू कर दिया, रामलीला में करता, एक मैंने स्टेज पर गाना भी बनाया था, मंत्री बनता था मैं रामलीला में, हमने उस समय खलनायक फिल्म आई थी उसमें गाना बनाया था, जी हाँ रावण नहीं रावण का मंत्री हूँ मैं, पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा हुई, अरे उसने खलनायक का गाने का रीमेक कैसे बना के स्टेज पे गाया, तो हौसला अफजाई हुई। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में कोशिश की कहीं थिएटर वेटर कैसी से कहीं क्लू मिल जाए हमें बॉम्बे जाने का, मगर वहाँ भी कोई बात नहीं बनी, पर वापसी फिर गाँव आना पड़ा। इतना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो फिर मैं पेपर पर मैं पहले आता था न्यूज़पेपरों में कटिंग में एक्टर बनने के लिए ये बनने के लिए, तो मैंने कहीं से वो पेपर में देखी किसी पेपर में कि वेद गोस्वामी हैं कोई, तो वो पंजाब में आए हुए हैं और बॉम्बे से आए हैं पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो मैंने वो नंबर दे रखा था, फोन किया मैंने उनको, मैं कहा सर ऐसे ऐसे मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे विनोद गोस्वामी बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अभी मैं भेजूँ, रात में फ़ोन करना। रात में फिर मैंने किया, तो एसटीडी लगती थी उस समय रात में, तो और मेरे लिए अच्छा था, सस्ती पड़ती थी, तो मैं रात में इतना से बात की उनसे, तो उन्होंने बोला बेटा देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ शूटिंग करके और आप मेरा बॉम्बे का नंबर ले लो। तो मैं कहीं बंदा जेन्युइन है क्या, मैंने उनको नाम सुना नहीं था देखा नहीं था, तो फिर मैंने डरते डरते पूछा मगर सर आप एक्टर हैं क्या है, उन्होंने कहा मैं एक्टर भी हूँ और कास्टिंग भी करता हूँ। तो मैंने उनको मैं क्या सर वैसे बुरा ना माने तो मैं आपको नाम से तो नहीं जानता, अगर आप बता दें कोई पिक्चर में देख लूँ फिर मैं आपको शक्ल देखूँ कौन है आप, तो उन्होंने बताया वो टी एस ओ टी एक दो पंजाबी फिल्में बताई, तो मैं उन्होंने वो करेक्टर बताया हमने देखा, तो फिर मैं कह नहीं आदमी तो ये जेन्युइन है, और मैंने उनमें वीडियो की दुकान पे उन दोनों में काम भी करता था, मैंने वो सब कैस्टें लगा के देखी और उनमें नाम आया वेद गोस्वामी, उनके शक्ल में कहा नहीं आदमी तो ये जेन्युइन है, तो फिर मैंने उनको बॉम्बे का जो नंबर दिया था कॉल किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे है मैं बताइए, उन्होंने फिर मेरे को बताया प्यार से, कहता बेटा आने को तो तुम आ सकते हो बाकी तुम्हारी अच्छा है, बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं यहाँ कलाकारों की क्या हालत होती है, काम मिलता है नहीं मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप अपने दम पे अपनी रिस्क पे आना चाहो बॉम्बे आ सकते हो, बाकी पता नहीं तुम बनो ना बनो क्या होगा, कहता ये मैं सजेशन नहीं दूंगा आते तुम स्टार बन जाओ या कुछ, मैं कहा नहीं सर जज्बा होता है ना, एक बार आप बॉम्बे बुलाइए सबकी छुट्टी कर दूंगा, जो जज्बा होता है या जो सब लोग बोलते हैं यहाँ आने के बाद सबको फिर पता चलता है नहीं हम कहाँ आगे क्या आ गया, कोई सक्सेस हो जाता है कोई नहीं होता, तो वो वाले उन्होंने बात बोली थी, तो मैंने जिद की मैं कहा नहीं एक बार आप बुला के तो देखिए बॉम्बे, तो उन्होंने मेरी जिद के आगे उन्होंने भी झुकना पड़ा, तो उन्होंने कहा चला गया बेटा। एक दिन वो दिन आ ही गया, घर वालों ने मेरी जिद के सामने घुटने टेकने ही पड़े और मैं बम्बई चला आया, वो सन था 98 का, तो कुछ थोड़े बहुत पैसे का मैं जुगाड़ करके बम्बई आ गया, तो उनका बेटा मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आए मंगल गोस्वामी जी जो अभी साके नाका में रहते हैं अभी आना, तो आया मैं उनके साथ रहा कुछ दिन, तो फिर ऐसे उन्होंने स्ट्रगल भी कराया मेरे को, एक कुछ समय उनके जानने वाले थे सुखदेव वालू वाले जी डायरेक्टर हैं पंजाबी के बहुत बड़े जिनको शोमैन कहा जाता पंजाबी का, तो उनकी फिल्म मिली मुझे रब रूठे यार ना रूठे,
उनके थ्रू, उसमें मेन कॉमेडियन में दारा जी, धर्मेंद्र जी, उपासना सिंह जी, रणजीत, और कॉमेडियन में मेरे ऊपर दो गाने थे, वो किसी कारण पूरी फिल्म नहीं बन सकी, 8-9 रिले बनी, और मेरा उसमें बहुत ही बढ़िया करेक्टर था। आज वो फिल्म बन जाती तो मैं कहीं का कहीं होता है शायद, जो ऊपर वाले को मंजूर हो, मगर वो दिया। फिर उसके बाद पंजाबी चैनल नया नया खुला था लस्कारा, उसमें मुझे छोटा मोटा काम मिलता। पहला मुझे उसमें, हालांकि पहला उसमें मुझे जो फीस मिली थी पंजाबी फिल्म में वो 5,000 रुपये थी। तो उसके बाद ये सीरियल में मुझे मिलने लगे, छोटे मोटे करेक्टर करने लगा। उसमें एक मेरा पंजाबी सीरियल में एक सीन था, वो बहुत हिट हुआ था और गांव में बहुत लोगों ने पहली बार देखा था, छोले भटूरे वाला सीन। तो गांव में घर से डैडी का भी चिट्ठी आई, क्योंकि हर किसी की जिज्ञासा बढ़ती रहती है, अभी छोटा किया है उससे बड़ा करना है, उससे बड़ा करना है, तो इस चक्कर में फिर दिन ब दिन टफ होता रहता है स्ट्रगल, क्योंकि हमारा कोई गॉडफादर तो है नहीं इस इंडस्ट्री में। तो इस चक्कर में आगे आगे चल के ना बहुत टफ होता जाता है, क्योंकि लोगों की भी इच्छाएं होती हैं हमसे कि भी हम कुछ और अच्छा करें और बड़ा मिले हमें, तो बहुत दिन ब दिन मुश्किल हो जाता है। खास जिनमें मैंने काम किया है उनकी, जो मेरी शुरुआत तो पंजाबी सीरियल और पंजाबी फिल्म से हुई थी, बाकी मैंने लापतागंज, जिससे मुझे लोग जानने लगे हैं, चिड़ियाघर, नीली छतरी वाले, पीटरसन हिल और किशन कन्हैया, अश्विनी धीर जी मेरे पे बड़े ही मेहरबान रहते हैं, वो उनकी बहुत वो कृपा है मेरे ऊपर, अपने हर शो हर फिल्म में मुझे रखते हैं। हालांकि मुझे वो मराठी फिल्म बना रहे थे तो लोगों ने कहा अरे आपके वो अश्विनी सर मराठी फिल्म बना रहे, जाके मिल लो। मैंने बोला यार मेरे को मराठी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा उनसे मिलके, मगर नहीं, उनका कॉल आया मराठी फिल्म के लिए, कहते आप हिंदी में डायलॉग बोलेंगे और करेंगे। अशोक जाधव मराठी के बहुत बड़े स्टार है, उनके अपोजिट मेरा बेटा होता है, उनकी लड़की होती है, मेरा बहुत ही अच्छा उसमें रोल था, उन्होंने मुझे बुला के काम दिया, मुझे हर प्रोजेक्ट में रखते हैं। फिर उसके बाद धीरज सरना सर, जिनका मुझे बेलन वाली ने एक सीन के लिए बुलाया था, और उन्होंने मेरा वो काम देख के उन्होंने लगा ये कोई ऐसे ही है और अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो मेरा रोल बहुत ही लोगों ने सराहा, जिसमें मेरा तकिया कलाम था 10 के भाव में, कबाड़ी का करेक्टर था, कलर्स टीवी का शो था, बहुत ही बढ़िया उसमें मेरा रोल था। फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने बोला वो जैसे शो बंद हुआ मेरा अगला शो कर रहे हैं, मैं क्या बड़ा धन्यवाद सर, मैं मायके चली जाऊंगी। उधर से मुझे अश्विनी सर का भी फोन आया, उधर उनका प्रोडक्शन से, तो उनका भी था, मगर सर मैंने ये शो कर लिया। तो कभी कभी ऐसे 2-4 अपने घर होते हैं जो आप पे मेहरबान होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपको समझ जाएं, तो उनका मायके चली जाऊंगी मैंने शो किया, उसमें मेरा बहुत ही बढ़िया करेक्टर था लल्लन जी का, तो ये मेरा शो था सर। मैंने जो फिल्में की हैं जिसमें कार्तिक कॉलिंग कार्तिक थी, उसमें एक दूध वाले का करेक्टर था, उसके बाद फंसते फंसाते एक फिल्म थी उसमें बढ़िया करेक्टर था, और कुली नंबर 1 में सीन कुछ कट गए हैं मगर प्रेजेंट है उसमें भी, और पीपी लाइव में उसमें नवाज
और हम नवाज भाई के साथ में बढ़िया था मेरा करेक्टर, तो उसमें भी एड फिल्में मैंने काफ़ी की हैं, बच्चन साहब के साथ की है, और एड फिल्में तो मैंने बड़ी बड़ी की है। गूगल का एड मेरा हिट है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा भैया ठीक ठीक लगा लो। हाँ तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सर मैं एक शूट कर रहा था पुणे में, तो मेरा फोन बंद था। वो कहते ना आपको जो नसीब में हो आपको मिलती ही है चीज़, तो मैं ऑडिशन किसी और चीज़ के लिए दिया था जोगी सर को मैंने, तो मिस कॉल अलर्ट में देखा जब मैंने फ़ोन ऑन हुआ नेटवर्क में आया तो उसमें मिस कॉल अलर्ट में आया ये, तो मैंने कॉल किया तो जोगी सर का था, तो मैंने कॉल किया। मैं कहा सर ऐसे ऐसे, कहता हाँ, कहता कहाँ है? मैं कहा मैं तो सर पुणे में हूँ। तो उन्होंने कहा एक कैड है तो सुजीत सरकार जी बना रहे हैं तो आप करेंगे? मैं कहा सर करेंगे उनके साथ तो काम करने के, और कहता उसमें बच्चन साहब भी है। मैं कहा तो सर मैं पूछने नेकी और पूछ तो ठीक है आपका मैं ऑडिशन भेज रहा हूँ, पुराना ऑडिशन पड़ा था मैं आपका आगे भेज रहा हूँ। तो उनको फिर अगले दिन कॉल आता है, उनको आपका ऑडिशन पसंद आया, आप ये करेक्टर कर रहे हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं बहुत बेचैन हुआ वो दिन कब आया जब बच्चन साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिले, क्योंकि बचपन में इससे एक चीज़ जुड़ी हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चन साहब से किस्सा है, मैं जब छोटा होता था फिल्म देखने जाता था, मर्द फिल्म देखने गया, और मेरे पापा ने मुझे दवाई लेने के लिए पैसे दिए, तो मैं दवाई लाकर बाकी पैसे नहीं दिए उनको, मैंने फिल्म देख ली उन पैसों की, मर्द। तो घर वालों को पता चला क्योंकि फिल्म देखने का मैं शौकीन था, तो पापा ने पूछा बाकी पैसे कहाँ है? वो जरूरी थी, हालांकि छोटे घरों में ऐसे दो दो पैसों की पूछ होती है, इसलिए वो बहुत ही जरूरी पैसे थे। तो सबको पता था मैं फिल्म देख के आया हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरे लगी भी हुई थी मैंने कोई फिल्म देखनी है। तो भाई ने बोला जरूर मर्द देखने गया था, कहता आने दे बेटा इसको आज औरत दिखाता हूँ मैं। तो फिर जो मेरी कुटाई हुई कहता आज के बाद देखेगा ये वो। मैं कह नहीं, ये जोड़ के हाथ जोड़ के मार मांगी ये वो नहीं। तो वो किस्सा मुझे उस दिन याद आया, मैं कहा जिनको देखने के लिए मैंने पिटाई खाई और आज मैं साक्षात उनके दर्शन कर रहा और उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं बहुत भावुक भी और खुशी भी हुई। शायद मैं डैडी होते तो उनको मैं बताता। कहा देखो मैंने बच्चन साहब के साथ भी काम कर लिया। तो बच्चन साहब के साथ काम करके बहुत ही मजा और बहुत आनंद आया, क्योंकि वो जितनी बड़ी शख्सियत हैं उतनी ही वो बहुत डाउन टू अर्थ। आज भी जैसे हम तो स्ट्रगलर हैं, आज भी स्ट्रगलर नहीं कहूँगा, मतलब कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो आज भी उसी जज्बे के साथ करते हैं जो आज हम कोशिश करते हैं कुछ करके दिखाना है। एक डायलॉग था उनका, वो हा 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 करके बोलते स्टेज पे, तो वो जब आते हुए हमने देखा, मैं कहा ये माफ करना बहुत बड़ा नाम है, मैं कहा ये कैसे करेंगे क्या करेंगे, जब उनकी एनर्जी देखी हमने कहा हम तो चीनी कम पानी, वो कहते ना वो कहावत है वो, मैं क्या सही में बच्चन साहब क्यों है? इसलिए बच्चन साहब है क्योंकि कैमरा ऑन होते क्या करंट आता उनके अंदर, वो तो बाबा की कृपा है भोले बाबा की उनके ऊपर, मतलब बहुत ही ऐसी एक वो था। जैसी वो शूटिंग खत्म हुई तो क्योंकि बच्चन साहब है तो एक फोटो तो बनती है, तो हमने जैसे वो कपड़े अपने उतारने लग गए, वहीं पे एक शर्ट उतारनी थी और वो वहीं पे सेट पे, तो मैं क्या सर उन्होंने सुन लिया अब डाओ, और सुजीत सरकार जो सर थे डायरेक्टर उन्होंने कहा ला ला मेरे को तो कैमरा में फोटो खींचता हूँ, इतने अच्छे नेचर और इतना बढ़िया से उन्होंने फोटो खींच के दी। और तो मतलब आदमी हम जैसे आप छोटे कलाकार होते हैं वेनेटिव वो करता है जैसे शॉट खत्म हो जाए, नहीं नहीं कहते 2 मिनट है सर,
कता विनेटी में गई, नहीं नहीं दो मिनट है तो मैं इधर ही कुर्सी में, और वो मई जून की कड़कती धूप थी और टेंट खाली लगा हुआ था और उसमें नहीं नहीं मैं इधर ही बैठता हूँ, वो इतने अच्छे से पसंद था, वही कुर्सी ली और बैठ गए आराम से, मतलब इतनी गर्मी में, मतलब उनको काम से कितना प्यार है, इतने इसलिए ही वो आज बच्चन साहब है, हम तो दंग रह गए उनको देख के, बहुत महान हस्ती इसीलिए हैं। अभी आने वाली एक फिल्म है 83, जिसमें एक बहुत ही बढ़िया सीन है, तो आप देखेंगे पता चल जाएगा। और बाकी एक शो किया है मैंने, मुझे मेरी कॉम बनना है, वो तो बस अशोक त्यागी जी की कृपा है मेरे पे, जो इतना बड़ा रोल मेरे को दिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक नशेड़ी बाप का करेक्टर है, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि भी इतना बड़ा रोल मुझे मिल सकता है, और वो मैं उनकी उम्मीदों पे फिर खरा भी उतरा। अभी डीडी नेशनल पे आता है वो शाम को 6 बजे शनिवार और रविवार को, तो आप सब देखना उसको, बहुत ही बढ़िया किरदार है उसमें मेरा। हाँ जी, इसमें जो कलाकार हैं वो सुविधा है, आलाप त्यागी हैं, और अनीता प्रकाश जी हैं, और ज्ञान प्रकाश सर हैं, और मेरा भी एक उसमें बढ़िया करेक्टर है। मैं बहुत कॉमेडी करेक्टर किए हैं इसमें, एक इमोशनल और नशेड़ी बहुत ही रुआने वाला करेक्टर है, हंसाने वाले तो मैंने बहुत करेक्टर हर शो में कॉमेडी ही किया है मैंने, इसमें ये एक अलग करेक्टर किया है पहली बार, और उन्होंने मुझे जो इसके काबिल समझा, अभी मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, नहीं कुछ लोग तो अरे नहीं ये कॉमेडी करता है कॉमेडी कर, ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्टर से क्या निकलवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, क्योंकि भेड़ चाल तो बहुत देखी है, ये दूध वाला है तो गमछा होगा, नहीं अपना भी तो थॉट होता है ना हर किसी का, वो बहुत कम डायरेक्टरों में होता है ये, ऐसा भी नहीं मैं इस करेक्टर से ये करवा सकता हूँ। वेब सीरीज कर रहा हूँ जिसका टाइटल है सेकंड हनीमून, जिसमें मनोज जोशी भी हैं, और आपको बड़ा मजा आएगा, ये अभी शूटिंग उसकी बाकी है, उसमें मेरा बहुत ही बढ़िया करेक्टर है, आप उसमें कॉमेडी करेक्टर है बहुत ही बढ़िया, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी इस साल के अंत तक तो बताऊंगा आप लोगों को। बाकी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं बच्चा गैंग, जिसमें आशुतोष राणा है और भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उसमें भी मेरा बहुत ही बढ़िया करेक्टर है, एक बच्चे का बाप बना हूँ मैं, तो वो भी फिल्म अभी रुकी हुई है, तो भी इस साल के अंत तक वो भी बन जाएगी।